गुरुग्राम को साइबर हब कहा जाता है। यहाँ बड़ी 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 इमारतें दिल को छू लेती हैं। उसी बीच कुछ बिल्डरों की लापरवाही के चलते लोगों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के यूनिवर्ट गार्डन पार्ट टू की, जो गुरुग्राम के सेक्टर 47 में बनी सोसाइटी की इस वक्त बद से बदतर हालत में है। ये सोसाइटी यूनिटेक बिल्डर ने बनाई है और इसमें कई तरह की खामियां हैं। बिल्डर ने बिना सोसाइटी में काम को पूरा किए बिना ही लोगों को हैंडओवर कर दिए। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि आए दिन बिल्डिंग पर से प्लास्टर गिरने की वजह से कोई भी हादसा हो सकता है। ऊपर से बिल्डिंग का प्लास्टर नीचे की बालकनी में और ग्राउंड फ्लोर पर गिरता है। कई बार लोग बाल बाल बचे हैं। कई बार यूनिटेक मैनेजमेंट टीम को कंप्लेन की, पर कोई एक्शन उनकी तरफ से नहीं लिया गया। यूनिटेक के लोगों का कहना है कि मैनेजमेंट टीम में उनकी प्योरिटी पहले जिनके घर नहीं मिले उनको घर बना के देने की है, जबकि उनको जो सोसाइटी में ठीक से और पूरी नहीं हुई है और निवासियों की सेफ्टी की तरफ से पहला ध्यान देना चाहिए। यूनिटेक मैनेजमेंट से सोसाइटी की अपील है कि कम से कम जो प्लास्टर गिर रहा है उसको तोड़कर नीचे गिरवा दिया जाए, जिससे प्लास्टर किसी के ऊपर ना गिरे। मैनेजमेंट को देखना चाहिए, किसी हादसे का इंतजार नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूनिटेक मैनेजमेंट टीम की है। अब सोसाइटी के लोगों ने प्रशासन और पुलिस की मदद लेना शुरू कर दिया है। देखना यह होगा कि सोसाइटी इस बात को इतनी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। सबसे पहले इन्हीं का इंटरव्यू। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम सुनील यादव है, C2 जिले में रहता हूँ मैं। जो पीछे घर आप देख रहे हैं, यहीं रह रहा हूँ। तो सर क्या मैटर है इसका, ये क्या प्रॉब्लम हुई आपके यहाँ से? ये अक्सर ऊपर से ये सीमेंट के जो वो हैं टुकड़े गिरते रहते हैं। पिछले 1.5-2 साल से हम यूनिटेक में मेंटेनेंस टीम में और यूनिटेक मैनेजमेंट टीम को कंप्लेन कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि कम से कम जो टूट रहा है प्लास्टर, कम से कम उसको नीचे गिरा दिया जाए, रिपेयर बाद में होता रहेगा। वो उसका भी उन्होंने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। 1 साल पहले मैंने उनको मेल लिखी थी, उनके जो मेंटेनेंस टीम होती है उनके टिकट रेज करते हैं वो डाली थी, कोई जवाब देता नहीं, कोई मेंटेनेंस टीम से आता नहीं। तो आपने प्रशासन किसी को इस बारे में कुछ बताया? प्रशासन हमारी यूनिट की जो मेंटेनेंस टीम है, जो एज ऑन थोड़े कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं, वहीं तक हमने बताया है उनको। और कल जो भी ज़्यादा वो जब डर लगा हमें, तो हमने पुलिस के वहाँ प्रशासन में कंप्लेन की। तो पुलिस वाले ने क्या दिया आपका ऑब्जेक्शन, भाई क्या कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे? वो आए थे पुलिस वाले, वो कह के गए कि आप अपनी कंप्लेन लिख के दे दें, कल सुबह SHO साहब आएंगे, उसके बाद हम देखते हैं किन धाराओं के इसमें इनका वो केस दर्ज हो सकता है। तो आपने कोर्ट वगैरह में भी कहीं ये इसकी वो लगा रखी है? फिलहाल कहीं कोर्ट में लगाए नहीं, बट हम आगे का रास्ता चुनेंगे, देखेंगे। अगर प्रशासन और जो दूसरे मेंटेनेंस टीम के ये अगर ना सुनेंगे, तो हमें कोर्ट को ही गुहार लगानी पड़ेगी। तो आपके बाद अगर सबको विज्ञापन देने के बाद आप सबको अगर आपकी फिर भी वो नहीं मानते, तो फिर आप क्या करोगे आगे? नहीं, हम अगर हम रिक्वेस्ट देंगे कोर्ट में, कोर्ट को तो ये तो पक्की बात है, कोर्ट हमारी बात सुनेगा, समझेगा। उनको पता है कि जो लोग रह रहे हैं उनकी सेफ्टी और उनके जान माल तो बहुत ज़रूरी है। हमें जुडिशल सिस्टम पर भरोसा है, उनको बहुत भरोसा है हमें। तो वैसे कितने महीने हो गए इस चीज़ को यहाँ ऐसे गिरते हुए? ये कम से 2 साल के करीब हो चुके हैं। तो 2 साल से ये हो रहा है या अभी होने लगा? ये अभी हम सी टावर में रह रहे हैं जहाँ गिर रहा है, बाकी तो पूरी सोसाइटी को तो देखा जाए तो सोसाइटी में गिरते रहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक, और फिर रिपेयर भी हो गया था। डी ब्लॉक में थोड़ा बहुत हुआ था पहले, DTP ने बीच में जब किया तो किया था 3-4 साल पहले, उसके बाद हालात वैसे के वैसे ही हैं। हाँ जी, यस, नाम बताइए अपना। मैडम, मेरा नाम सीमा यादव। क्या प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर? ये प्लास्टर बार बार गिरता रहता है, बिल्डिंग की हालत बहुत खस्ता है, जर्जर है जैसा कि आप देख रहे हैं, और हर रोज़ प्लास्टर गिरता है, और बस ये लग रहा है कि कब किसकी जान चली जाए पता नहीं है, और कुछ भी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। तो आपने किसी को शिकायत करी है वैसे? हम बार बार कर चुके हैं मेंटेनेंस ऑफिस में, मेंटेनेंस टीम को भी कर चुके हैं, और हम मेंटेनेंस पे भी कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई कुछ नहीं करता यहाँ पे। और वो लोग बहानेबाजी करते हैं, कभी कोरोना का बहाना ले लेते हैं, कभी बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करके हमें वो कर रहे हैं। तो अभी आपको किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया कि हम ये ठीक कराएंगे? नहीं, आश्वासन नहीं दिया। वो कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, कभी कहते हैं हमारे पास झूला नहीं है, कभी बोलते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, कोरोना है, ये है, ऐसे करके हमें टरका रहे हैं। तो आपके सीट का मैटर क्या था भाई? सीट हमने अपनी सेफ्टी के लिए लगाई थी, उसके बाद भी हमें नोटिस भेजे जा रहे हैं कि आप लोग एक्स्ट्रा ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, जबकि हमने अपनी सेफ्टी के लिए सीट्स वगैरह लगाई हुई है, और इसके ऊपर भी हमें बार बार नोटिस भेजे जा रहे हैं कि आपने ये सीट क्यों लगाई है और इसको हटाओ, ये हटाओ। हमने उनको बोला हुआ है कि आप रिटर्न में दे दो, प्लास्टर नहीं गिरेगा, हम सीट हटा लेंगे।
और सीट भी बार बार टूट चुकी है पूरा बुरी तरीके से। और जैसे कि आपने देखा कल कितने बड़े पत्थर गिरे हैं, अगर ऐसे कोई नीचे होता कुछ भी होता तो आदमी बच नहीं सकता इसके लिए ना। और कभी किसी के साथ भी हादसा हो सकता है, ये वेट कर रहे हैं कि कब कोई मरेगा यहाँ पे, तब कुछ होगा यहाँ, मरेगा तभी कुछ होगा यहाँ पे। और गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया हुआ है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने, उसके बाद भी वो आज तक राउंड नहीं लेते, कुछ नहीं करते और इसी हालत में हम जी रहे हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम वरुण शर्मा। सर आप भी इसी अपार्टमेंट में रहते हैं? मैं सीपुर में रहता हूँ। सर आपको क्या दिक्कत है वैसे यहाँ पर? ये जो तो अभी प्लास्टर गिरा है यहाँ का, ये आज का नहीं है, यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस है। कई बार यहाँ बच्चे खेलते हुए हमारे सामने हुआ है और बच्चे बार बार बच्चे गिर, उनके ऊपर चोट लगने से, बहुत बुरी तरह चोट लगने से। तो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई भी काम होता है उससे पहले यहाँ पर कमीशन कैसे खाई जाए उसके बारे में, उस पर पहले ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और कोई काम कुछ नहीं होता यहाँ पर। कई बार हमने बच्चों को बचाया, C4 में भी इस तरह से कई बार प्लास्टर टूट के गिरा हुआ है। और यहाँ पर बिना वजह के कामों में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो मेन काम है यहाँ पर, जो बेसिक चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सड़कें हों या बिल्डिंग का जो हाल है इस वक्त, जो कुछ मेन इश्यूज़ हैं उस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता, या फालतू का कामों में टाइम और एनर्जी वेस्ट की जाती है। हमने तो कई बार कंप्लेंट करी, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर, बस ऐसे चल रहा है। हालत जो बुनियादी चीज़ों की बहुत बुरी है। तो आप लोग सब मिलके गए नहीं आपको कहने के लिए भी हमें ये प्रॉब्लम हो रही है? जब हम कंप्लेंट करते हैं तो वो लोग इस तरह के नोटिस भेज के धमकी देते हैं, मतलब इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की जगह लोगों को यहाँ पर जो आके रेजिडेंस को धमकाते हैं कि जी आपको नोटिस, लीगल नोटिस भेज भेज के। इस तरह के यहाँ पर जो टैक्टिक यूज़ होते हैं, इसके बजाय कि ये चीज़ों को सॉल्व किया जाए। रोल यस सर, इसमें हम रिपीटेड कंप्लेंट दे चुके हैं, दिस हैज़ बीन हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 2-2.5 ईयर। अलग अलग ब्लॉक्स में हर जगह ये प्रॉब्लम इशूज हैं। हम DTP, DTCP, DC साहब को हर जगह पे हम अपनी कंप्लेंट दे चुके हैं। नई मैनेजमेंट को भी हमने इंफॉर्मेशन भेजी है, सारी ईमेल्स भेजी हैं, फोटोग्राफ्स भेजी हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो इस पर एक्शन लें। जैसे भी आपको सबने बताया है कि उन्होंने उल्टे नोटिस हमें भेज दिए कि भैया आप अपनी ग्रिल्स को सही कीजिए। अब हम एज अ प्रेजिडेंट मैंने आए थे पीपल कि भैया अपनी ग्रिल्स हटा लो, ठीक है हम मानते हैं कहीं ना कहीं वो गलत है, बट वो उनकी अपनी सेफ्टी है, किसी के सिर पे गिर जाएगा तो हम क्या करेंगे। उस टाइम पे RWA को जिम्मेवार ठहरा दिया जाता है, जी आप लोग नहीं देखते हो, बट RWA के हाथ में कुछ नहीं है, IFMS है हमारा, IFMS हमारे पास नहीं है। अब वो केस सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ से हमें पूरी उम्मीद है, बट टाइम इतना ज़्यादा लग चुका है कि वो हमारी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। मेंटेनेंस हम पूरी पे कर रहे हैं, ऑन टाइम पे कर रहे हैं, बट टीम इतनी इफेक्टिव नहीं है कि उसको संभाल सके या उसका कोई हमें जवाब मिले। और अगर सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा लेना है सबको, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा फास्ट करना होगा चीज़ों को, ताकि हमारी जो डे टू डे प्रॉब्लम है उनको कुछ देखा जाए, सुना जाए, काम करा जाए। अदरवाइज़ तो फिर वही है कि हम वेट कर रहे हैं किस दिन कोई बड़ा हादसा होगा और सब बैठ के रो रहे होंगे या हंस रहे होंगे, ये होना था जी, ये तो लिखा ही था भाई। तो किसी ना किसी को एक्शन लेना होगा, किसी ना किसी को काम करना होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब कंप्लेन लेकर के जाते हैं तो बोलते हैं हमारा जो मेन मोटो है वो है जिनको घर नहीं मिले हैं उनको घर दिलाना, लेकिन जिनको घर दे दिए हैं एकदम ही जर्जर अवस्था में, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई रिपेयर वर्क नहीं है, तो फिर घर देने का मतलब क्या हुआ? या तो फिर मरने के लिए छोड़ दिया लोगों को, बिल्डिंग टूटती जा रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कंप्लेन लेकर के जाओ तो बोलते हैं हमारा तो मकसद है लोगों को घर दिलाना, लेकिन घर दिलाने के साथ साथ जिनको घर दे दिया है उस बिल्डिंग की जो टूट फूट है उसको रिपेयर कौन करवाएगा? पैसे रोज लिए जा रहे हैं लेकिन उसका इस्तेमाल बिल्डिंग रिपेयर पर बिल्कुल भी नहीं हो जा रहा है। यानी कि आप लोगों कहना कि यहाँ आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते? हम हमारी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। हम कंप्लेन लेकर के जाते हैं, वो सीधे से बोल देता है कि भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जब वहाँ से फ्री होगा तब हम करके देंगे। और ना हमारे को हमारी जो मेंटेनेंस है AOA को दी जा रही है, ताकि AOA कुछ अपना जुगाड़ करके कुछ काम करे, अपना मेहनत करके बाकी लोगों के लिए, बिल्डिंग के लिए, सोसाइटी के लिए सोच करके काम करे, लेकिन हम लोगों के बिल्कुल हाथ बंधे हुए, ना हमारे हाथ में मेंटेनेंस है, ना हमारे हाथ में कोई डिसीजन पावर है। सर इसका मालिक का नाम बता सकते हो जिसके हाथ में ये है जो ये करवाता? ठीक, मेंटेनेंस के आज के दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी है उसमें मिस्टर युद्धवीर मलिक और अशोक यादव जी हैं, जो करता धरता है वही सब संभालते हैं, वही सब संभालते हैं। हाँ जी, रोल नाम बताइए अपना। अमित जैन मेरा नाम है और मैं इसी बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पे रहता हूँ। और कल शाम को तकरीबन 7:30 बजे एक बहुत बड़ा मतलब बालकनी का चंक ऊपर से नीचे गिर गया,
और मतलब किस्मत अच्छी है कि कोई नीचे था नहीं, वरना शायद कोई नीचे होता तो उसकी जान तो बचने वाली नहीं थी। और हम लोग इस चीज़ की कंप्लेंट यूनिटेक को काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, पिछले एक सालों से कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो कमेटी अभी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ बिठाई गई है, वो कमेटी बिल्कुल भी हमारी नहीं सुन रही है। हमारी एक एसोसिएशन भी है, वो भी बनाई है हमने, वो भी उनके पास जाती है, लेकिन उनको भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स उनसे नहीं मिल रहा है जिसके कारण हम कोई एक्शन ले सके। और वो भी टाइमली रेज कर रहे हैं, उन्होंने सीएम विंडो पे भी रेज किया, उन्होंने कई जगह रेज किया। अब गवर्नमेंट ही हमारी नहीं सुनेगी तो और कौन सुनेगा? तो हम लोग सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, यूनिटेक के ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसकी हमारी कंप्लेंट को सुना जाए और यहाँ पे जो प्लास्टर का रिपेयर का काम है एटलीस्ट वो प्रायोरिटी बेसिस पे कराएं, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि किसी की जान जा सकती है और जिस दिन जान जाएगी उस दिन तो क्रिमिनल केस होगा ही होगा, तो उससे पहले करें तो ज़्यादा अच्छा है, किसी की जान बच जाए कम से कम। नहीं, इसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि अगर अभी तक किसी की जान गई नहीं है, कल के दिन अगर कोई जान जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जिसकी जान चली गई उसके परिवार वालों का क्या होगा? अभी तक भगवान का शुक्र है कि हम बाल बाल बच रहे हैं, पर कल के दिन नहीं पता कि यहाँ पे क्या हादसा होगा, क्योंकि मेड्स आती हैं यहाँ पे, गार्ड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, कॉमन एरिया है ये, किसी का अंदर का प्राइवेट एरिया नहीं है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यूनिटेक लेगी या कोई और लेगा? ठीक है।